फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहा है। जवान सिनेमा घरों में लगातार तूफान बनी हुई है। फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसे देखने के लिए अभी भी थिएटर्स में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस पर कायम है। स्क्रीन पर आते ही बॉलीवुड के बादशाह खान ने गदर मचा दिया है। इसी बीच हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जवान की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों अमृतसर दौरे पर है, जहां उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जवान की जमकर तारीफ की। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि अभी तक उन्होंने ये फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन इसकी काफी तारीफ सुनी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि कोई वोट मांगने आए तो धर्म के नाम पर वोट मत देना, जाति के नाम पर वोट मत देना, बल्कि जब भी कोई वोट मांगने आए तो उससे ये सवाल करो कि क्या आप मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, मेरा परिवार बीमार है तो क्या अच्छा इलाज का इंतजाम करोगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि आज 75 साल के बाद भी देश में एक ही पार्टी ऐसी है जो ठोक बजाकर ये बात कहती है कि आप हमें वोट दो, क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, और ऐसा कहने वाली सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। अरविंद केजरीवाल का आपको बयान सुनवाते हैं, सुनिए आप। अभी ये पिक्चर आई है जवान, किस किस ने देखी है, देखना जाके, अच्छी पिक्चर है। उसमें शाहरुख खान का डायलॉग है, सुना होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया में खूब घूम रहा है। शाहरुख खान कहते हैं कि ये लोग आएंगे वोट के पहले वोट मांगने, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना, इन सारी पार्टियों से पूछना मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के इलाज के लिए क्या करोगे। मैं शाहरुख खान साहब को कहना चाहता हूं, पूरे देश में अकेली आम आदमी पार्टी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए और आम आदमी पार्टी के इलाज के लिए काम करती है। 75 साल के बाद भी अब जब हमने काम करना शुरू कर दिया, हम दूसरों को सिखाने इनकी इच्छा ही नहीं है, इनका मन ही नहीं करता, लोगों के लिए काम करने को मन ही नहीं करता। अरे हमने कर दिया, तुम नहीं कर सकते थे, 75 साल हो गए तुमसे नहीं होते थे। अगर 1.5 साल के अंदर मान साहब शिक्षा क्रांति कर सकते हैं, 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो सकती है, स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है, तो 75 साल में इन दूसरी पार्टियों से नहीं हो सकती थी, हो सकती थी। इनका मन नहीं था, इनका एक ही चीज में मन लगता है, पैसे 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 पैसे।